सी पार्ट, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 100। अब आपको ऐसे ही कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें आपको 100 से डिवाइड करना है, क्लियर है? तो ये भी बहुत सिंपल है, आपको ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले आपका नंबर है 925, तो पहले आप इन्हें ऐसे अरेंज कर लो। अब देखो 100 की टेबल में 9 और 2, जो 2 डिजिट का नंबर होगा वो तो आएगा नहीं, कोई 3 डिजिट का नंबर ही इसमें आ सकता है क्योंकि ये भी 3 डिजिट का नंबर है। तो देखो 3 डिजिट के नंबर में तीनों नंबर हो गए 925। अब देखिए 100 की टेबल में 925 ये तो आता नहीं है, तो इससे छोटा नंबर है 900 जो कि 9th प्लेस पे आता है 100 की टेबल में। 100 9 900, तो जब हमने इसे 9 से किया तो यहाँ 900 यहाँ लिखेंगे हम 9 ऊपर। अब हम 925 में से 900 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आया 25। तो देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हुआ 9 और रिमाइंडर हुआ 25। अब देखो मैंने बताया था 100 से आप डिवाइड कर रहे हो, तो पीछे के जो 2 डिजिट होंगे 1s और 10s प्लेस के वो बन जाएंगे रिमाइंडर, और जो बाकी डिजिट्स बचेंगे वो होंगे क्वेश्चन, क्लियर है? तो आपका क्वेश्चन हुआ 9 और रिमाइंडर हुआ 25। चलो अब सेकंड देखते हैं, 3498 डिवाइडेड बाय 100। इसे भी आप ऐसे ही करोगे, देखिए 349 थ्री डिजिट नंबर लिया आपने। अब देखिए 100 की टेबल में 349 ये तो आता नहीं है, तो इससे छोटा नंबर जो इस टेबल में आता है वो है 300। तो 100 3 300, 3 आपने ऊपर लिखा 300 नीचे। अब आप माइनस करा इन दोनों को तो आया नीचे 49। अब ऊपर से नेक्स्ट डिजिट को आप इस 49 के पास ले आए तो नंबर बना 498। अब देखिए 100 की टेबल में 498 क्या ये आता है? नहीं आता, तो इससे छोटा नंबर जो 100 टेबल में आता है वो है 400 जो कि आता है 4th प्लेस पे। 100 4 4 आपने ऊपर लिखा, 400 इसे नीचे लिखा। अब आपने 498 में से 400 को माइनस किया तो आपका आंसर आया 98। तो आपका क्वेश्चन हुआ 35 और रिमाइंडर हुआ 98। देखो 100 से करा है आपने डिवाइड, तो पीछे के जो 2 डिजिट है 1s और 10s प्लेस के वो बन गए रिमाइंडर, और जो बाकी डिजिट्स बचे वो हुए क्वेश्चन। अब देखिए बी पार्ट में 15 सम्स हैं, ये सभी सम्स ऐसे होंगे तो आपको इन सम्स को ऐसे ही करना है, इस तरीके से आप इन सम्स को करोगे। अब देखो आगे डी पार्ट, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 1000। अब आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें आपको 1000 से डिवाइड करना है, ये भी सेम ऐसे ही होगा। अब देखो 1000 इसमें 4 डिजिट्स हैं, तो आपको देखो 4 डिजिट्स इसमें ही 4 डिजिट्स हैं, तो देखो 1000 की टेबल में 3856 ये नहीं आता, तो इससे छोटा नंबर जो आता है 1000 की टेबल में वो है 3000। देखिए ये 3000 थर्ड प्लेस पे आता है, 1000 3 3000 3 आपने ऊपर लिखा, 3000 नीचे। अब आपने 3856 में से 3000 को माइनस किया तो देखो नीचे क्या नंबर आया, 856। तो आपका देखो क्वेश्चन हुआ 3 और रिमाइंडर हुआ 856। देखो यहाँ पे भी आप ध्यान से 1000 से आप डिवाइड कर रहे हो तो आपका जो डिविडेंड होगा उसके पीछे के 3 डिजिट 1s 10s 100s ये तीनों डिजिट्स होंगे आपके रिमाइंडर, और जो बाकी डिजिट्स बचे वो होंगे क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग है ये बहुत। चलो नेक्स्ट करके देखते हैं सेकंड, 51058 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसे भी ऐसे करेंगे, देखो एक 4 डिजिट नंबर आप ले लो 5105, तो देखिए 5105 ये 1000 की टेबल में नहीं आता, तो 1000 की टेबल में इससे छोटा नंबर आने वाला है 5000 जो कि 5th प्लेस पे आया, तो ऊपर लिखोगे आप 5 नीचे लिखोगे 5000। अब आप 5105 में से 5000 को माइनस करो तो आपके पास नंबर आया 105। अब इस 100 के 5 के पास ऊपर वाली नेक्स्ट डिजिट ले आओ जो कि है 8, तो आपका नंबर बना 1058। अब देखिए 1000 के टेबल में 1058 तो नहीं आता, इससे छोटा नंबर आने वाला है 1000, तो 1000 1 1000 1 आपने ऊपर लिखा 1000 नीचे लिखा। अब आपने इन दोनों नंबर्स को माइनस किया तो आया 58। तो देखो आपका क्वेश्चन हुआ 51 और रिमाइंडर हुआ 58। देखो
1000 से डिवाइड करने पर जो आपका डिविडेंड है उसका वंस टेंस हंड्रेड्स, पीछे के जो तीन डिजिट्स हैं वो तो होंगे रिमाइंडर और जो बाकी डिजिट्स बचे वो होंगे क्वेश्चंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए आपको डी पार्ट में 10 सम्स दिए गए हैं, सभी 10 सम्स ऐसे ही होंगे। देखिए एक्सरसाइज 5.3 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टेड लगी है। तो आप सभी 5.3 एक्सरसाइज 5.3 के सभी सम्स करेंगे। देखिए ए पार्ट को आपको बुक में ही करना है, बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट, इन्हें आप अपनी नोटबुक में करोगे। तो स्टूडेंट्स चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 के साथ। तब तक आप एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।